एक तरफ पूरे देश में खुले में शौच मुक्त अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ जमशेदपुर के बर्मा माइंस हरिजन बस्ती के लोग खुले में शौच के लिए विवश हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहां शौचालय नहीं है, यहां 10 कमरों वाला शौचालय है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शौच करने गया व्यक्ति सही सलामत बाहर आ सके। मतलब शौचालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जो कभी भी मालवों में तब्दील हो सकता है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी को अवगत कराया है, मगर इस दिशा में किसी ने पहल नहीं की है। जबकि कंपनी से सटा टाटा स्टील का ट्यूब डिवीजन है, कंपनी चाहे तो CSR के तहत हरिजन बस्ती के शौचालय का जीर्णोद्धार करा सकती है, मगर ना तो कंपनी ना ही जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। नतीजतन सोमवार को बस्तीवासी जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपते हुए शौचालय को दुरुस्त करने की मांग की है। बस्तीवासियों ने बताया कि बस्ती में शौचालय का एकमात्र प्रबंध यही है, इसके जीर्ण शीर्ण होने की स्थिति में महिला पुरुष बच्चे सभी खुले में शौच को जाने को विवश है। हम लोग इसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए, वो विगत 15 वर्ष पहले बर्मा में मुक्ति समाज बस्ती में एक शौचालय का निर्माण किया 10 लीटर का। इसमें आज वर्तमान परिस्थिति में काफी जर्जर अवस्था में जो उपयोग योग नहीं है, उसी के माध्यम से हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए DC जिला के उपायुक्त को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि शौचालय का स्थिति काफी दयनीय स्थिति है, जो महिलाओं के लिए काफी असुविधा हो रहा है शौच के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जिला के उपायुक्त से ध्यान पूर्वक त्वरित कार्रवाई करते हुए इस विषय में तुरंत कार्रवाई करें और पुनः शौचालय को मरम्मत करें, ताकि उपयोगी कर सके बस्ती के जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे बूढ़े, जितने भी उन सभी लोगों के लिए असुविधा हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि DC के माध्यम से इस ज्ञापन को ध्यान आकर्षित करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेश मुक्ति, बड़ा महेश मुक्ति समाज।